शिकायत किया था इलेक्शन कमीशन से लेके प्रशासन के हायर अथॉरिटी को कि यहाँ पे जो है धांधली हुआ है, बूथ लूटा गया है, लोग गली गली जा करके भयभीत किया है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ करिश्मा। बिहार विधानसभा जो उपचुनाव हुआ उस दोनों सीटों का नतीजा सामने आ चुका है। दोनों सीट पर जेडीयू की जीत हुई है। आपको बता दें कि लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे। अब हमारे पास उनके जो तारापुर से प्रत्याशी है अरुण साह, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लोगों को डरा धमका कर वोट लिए हैं। पहले सुनिए अरुण साह क्या कुछ कह रहे हैं। जो है देख रहे हैं, इसमें बहुत मैंने दो दिन पूर्व भी ये मैंने शिकायत किया था इलेक्शन कमीशन से लेके प्रशासन के हायर अथॉरिटी को कि यहाँ पे जो है धांधली हुआ है, बूथ लूटा गया है, लोग गली गली जा करके भयभीत किया है। मतलब ऐसा स्थिति हुआ वहाँ पे, यदि बच्चे भी जाते थे, यहाँ पे मेरा वोटर था, बच्चे भी जाते थे तो मास्क नहीं लगाया है, डंडा मारना, 500 गज के दूरी में जो है रहो, घर जाओ, मतलब घर पे, मतलब भयभीत कर दिया था लोगों को। अरे ये जो है ना, ये सत्य है कि उन्होंने जो है ना, मतलब इतना भयभीत किया, दहशत फैलाया कि लोग भयभीत हो गए, जिसके चलते तो आपने सुना तारापुर से जो राजद के प्रत्याशी थे अरुण साह, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लोगों को डरा धमका कर वोट लिए हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनका बूथ पर कब्जा बना हुआ था, कोई भी मेरा बच्चा जाता था तो उन्हें खदेड़ दिया जाता था कि जाओ मास्क लगाकर आओ, इस तरह की कई बातें भी सामने आई। आपको बता दें कि लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार चुनाव जीतने के लिए पैसा बंटवा रहे हैं, साड़ियां बंटवा रहे हैं। उन्होंने कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था, लेकिन अब उनके प्रत्याशी ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार गड़बड़ी किए हैं। हालांकि अब दोनों सीटों पर उपचुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे भी जारी कर दिए गए हैं। जेडीयू की दोनों सिटिंग सीट बच चुकी है। आरजेडी ने अपनी पूरी ताकत इस उपचुनाव में लगा दी थी, हालांकि किसी वजह से आरजेडी में चूक हुई, जिसके कारण ये हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि उनका कहना है कि जनता का प्यार हमें मिला है, हमें जनता का आशीर्वाद मिला है, भरपूर समर्थन मिला है, हम आगे जरूर जीतेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर लाइक करना ना भूलें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।